जर्जर क्वार्टर और जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं बीसीसीएल कर्मचारी और रैयत। झरिया बीसीसीएल पूर्वी एरिया भवरा के 12 क्षेत्र में बीसीसीएल कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टर और रैयतों द्वारा बनाया गया घर हैवी ब्लास्टिंग से पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। इन जर्जर क्वार्टरों में आए दिन प्लास्टर उतर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कहीं बड़े बड़े जमीन में दरार पड़ गए हैं। कुछ बीसीसीएल कर्मचारी तो अपने रुपए से क्वार्टर की मरम्मत का काम करवा कर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि 50 क्वार्टर हैं, बाकी रैयत लोग रह रहे हैं। हम सभी डर और मौत के साए में रहने को मजबूर। बीसीसीएल कर्मचारियों का कहना कि बीसीसीएल कंपनी जो कि हम लोगों से समय पर क्वार्टर रेंट भी लेता है, लेकिन हम बीसीसीएल कर्मचारियों को सुरक्षित क्वार्टर सुविधा नहीं दे रही है। कर्मचारियों ने बीसीसीएल अधिकारियों से मांग की है कि जर्जर क्वार्टरों की सुध ली जाए, जिससे यहां कर्मचारी सही ढंग से रह सके। वहीं रैयतों का भी कहना है कि बीसीसीएल महाप्रबंधक और आउटसोर्सिंग कंपनी हम लोगों को बिना विस्थापन किए ही इन आउटसोर्सिंग कंपनी में हैवी ब्लास्टिंग करवा रही है, जिस कारण हम लोगों की घरों में बड़े बड़े दरार जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। किंतु यहाँ देवप्रभा आउटसोर्सिंग अपनी मनमानी तरीके से प्रतिदिन हैवी ब्लास्टिंग कर रही है और काम बंद करने का नाम ही नहीं ले रही। हम लोग लगता है कि बीसीएल महाप्रबंधक और देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी किसी न किसी दिन हम लोगों की जान लेकर ही रहेगी, क्योंकि बीसीसीएल कर्मचारी और रैयत गुहार लगाते थक चुके हैं किंतु कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है उसकी जवाबदेही बीसीसीएल महाप्रबंधक और देवप्रभा आउटसोर्सिंग की होगी। ब्यूरो टेस्ट जनमानस समाचार। मैनेजमेंट गलती है, इतना ब्लास्टिंग कर रहे हैं, लोग बोलते काम कीजिए, काम ब्लास्टिंग करता है, इतना हो गया, दरार पड़ गया, कोई देखने में नहीं आ रहा, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। इसमें छोटा छोटा बच्चा है, कभी हादसा हो सकता है, घर गिर सकता है ना। आप लोग लिखित दिए तो अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा, हुकुम दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। अब देखिए क्या, आप लोग रैयती है? हाँ रैयती है, सब रैयती है हम लोग। क्या कुछ मन क्या कुछ कह रहा प्रबंधक इसके लिए? प्रबंधक आ रहे, करेंगे करेंगे, अब क्या करें, कुछ तो आश्वासन दिया जा रहा है। इस बीच कई नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या वो लोग भी इस बात को लेके प्रबंधक से वार्ता कर रही है क्या? वार्ता तो हो रही है, लेकिन कुछ विशेष काम नहीं हो पा रहा। वार्ता तो लोग दिखा कर ही रहे, लेकिन विशेष काम होगा तब तो। अगर इसी बीच अगर कोई दुर्घटना घटती इसकी जवाबदेही किसे गलती मानेंगे? मैनेजमेंट की गलती हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते, बोल रहे हैं कुछ भी घटना कर सकते, मारपीट तो नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, कुछ बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कौन सा जगह है कर सकते ना, ये कौन सा जगह है, क्या नाम है आपका? बड़ा बार नंबर है। क्या नाम है आपका? ये बताइए क्वार्टर कब से जर्जर है आपका? जर्जर हो गया 3-4 महीना, 5 महीना से ऊपर हो गया, आपने 6 महीने के लगभग हो गया। आपने लिखित दिया है यहाँ पे? लिखित दिया बोल रहे हैं, रोज रोज जो कोलवरी बस रह रहे, बार बार तो बोल रहे हैं, जब न तब रामचंद्र भैया के बोल रहे हैं, सेफ्टी मैनेजर के बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा था। लास्ट में सलीम भैया के बोले के भैया को एप्लीकेशन लिख दीजिए, तो वही लिखते हैं एप्लीकेशन तक लिख दिया, दिए तो बोला जान छुट्टी में है, तो ये कुछ रामचंद्र भैया साइन करके रखे। क्या बोल रहा है वो लोग, कुछ बोल रहा है क्या? खाली बोल रहा है ना कि हम क्वार्टर पता कर रहे हैं, तुमको क्वार्टर अच्छा जगह दे देंगे। क्या आपको भी बोला पता करने के लिए? उस मैनेजर बोला था कि क्वार्टर पता करो, जो कहूँ पर आपको जानकारी है तो उसके बाद हम कर देंगे। तो हमको कहा, हम तो बोले कि सर मेरे पास नोटिस थोड़ी आता है ऑफिस में, आप लोग पता करिएगा कि हम पता करेंगे। आप नौकरी भी करते हैं? हम नौकरी करते हैं, मशीनरी टेक्नीशियन है, वर्कशॉप में करते हैं। अभी आप लोग खाना वाना कहाँ बना रहे? इतना वो पट्टी बनाते हैं दूसरे ग्रुप में। क्या आप लोग दरार पड़ा हुआ? ये घर से आज 2 साल से तो धीरे धीरे फाट रहा। आप बीसीसीएल में नौकरी करते हैं? हम बीसीसीएल में नौकरी कर। ये बीसीसीएल क्वार्टर है? ये बीसीसीएल क्वार्टर है। तो आपने लिखित दिया है सबको? हाँ, लिखित हम तो एजेंट साहब को दिया है। क्या बोला क्वार्टर कब मिलेगा? क्वार्टर बोला जाए क्वार्टर दे
देखी है, उसका बाद हम बंदोबस्त कर रहे हैं। अगर इसी बीच अगर कोई दुर्घटना घटे इसका जवाब दे कौन है? उसको जवाब देगा, मैंने देगा, हम तो लिख के दे दिया। क्या नाम है आपका? गंगाधर पात्र।